हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सीवी ट्राइब में। दोस्तों कैसे हो आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे विमेंस एशिया कप 2022 के बारे में, और ये कंपटीशन होने वाला है इंडिया विमेंस वर्सेस श्रीलंका विमेंस के बीच में, और ये इस कंपटीशन का सेकंड मैच है दोस्तों, जो कि खेला जाएगा 1 अक्टूबर शनिवार को 1 PM से। हाँ, तो ये होने वाला है सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सिलहट बांग्लादेश में। और दोस्तों आज हम कवर करेंगे इस मैच का फुल एनालिसिस, जो कि है प्री मैच एनालिसिस, और साथ ही साथ नज़र डालेंगे कि आखिर कौन सी टीम इस मुकाबला को जीत सकती है और कौन सी टीम इस मुकाबला को हार सकती है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ मिलती रहे और क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाते रहें। भाई शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। अगर देखा जाए तो इस स्टेडियम में सबसे पहले बॉलिंग करने वाली टीम को डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इस पिच पर अभी तक 8 मैचेस टोटल हुए T20 के, जिनमें से एक मैच में सबसे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है, और 7 मैच में सबसे पहले बॉलिंग करने वाली टीम को जीत मिली है दोस्तों। तो इसका मतलब सेकंड में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने सबसे ज़्यादा बार 7 बार जीती है। तो मैं कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी पिच है, और फास्टर के लिए पिच बहुत ही ज़्यादा मदद देने वाली, और स्पिनर्स के लिए भी काफ़ी फेवर देने वाला है ये पिच। और टॉस जीतने के बाद दोस्तों सबसे पहले बॉलिंग करना ही इस पिच पर बेहतर होगा। दोनों ही टीमों से हाई स्कोर की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम इस पिच पर, और बाउंस भी काफ़ी अच्छे पेस में हो रही है। और अगर हम बात करें दोस्तों पिछले 5 मैचेस की, तो इंडिया विमेंस ने पिछले 5 में से 2 में अपनी जीत हासिल की है, वहीं श्रीलंका विमेंस ने पिछले 5 में से 1 में अपनी जीत का सामना किया है। तो अगर हम बात करें दोस्तों इंडिया की, तो हमारे टॉप रन स्कोरर हैं जमीमा रोड्रिगस, वहीं टॉप विकेट टेकर हैं राधा यादव, जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें दोस्तों श्रीलंका की, तो हमारे टॉप रन स्कोरर हैं नीलाक्षी डी सिल्वा, सेकंड में आएंगे इनोका रैनावीरा, और थर्ड में आएंगे कविसा दिलहारी। दोनों ही टीमों की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, पर अगर हम बात करें दोस्तों स्टैटिस को मद्देनजर रखते हुए, तो इंडिया एक स्ट्रांग टोटल है इस गेम में हमारे क्रिकेट प्रेडिक्शन की साइड से। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। और अंत में मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ मिलती रहे और क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाते रहें। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सवा खैर।